एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचें? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा, 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है, इन आलू का चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो? तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखा कर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है, मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्मानी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे, वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़िया बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू, लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए,
लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़िया है ये, मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़िया दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलो, ऐसी चूड़िया तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़िया बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो, मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़िया पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़िया वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है, माँ लक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी, अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़िया बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़िया बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी, हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी एक दो हाथ मार दूंगा जिससे वो और टूट फूट जाए। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़िया जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी,
तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़िया खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।